मैं सिद्दीकी अलमास इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से हाजिर हूँ आपके सामने खबरों के साथ। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मुंबई के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। मुंबई एटीएस ने एक कारोबारी की शिकायत पर गैंगस्टर सुरेश पुजारी पर फिरौती वसूलने का नया केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने मीडिया को बताया कि इस मामले में आतंकवादियों के संगठन को लेकर भी जांच की जा रही है। बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सबसे बेहद करीबी गैंगस्टर सुरेश पुजारी को साल 2021 के 15 दिसंबर को फिलीपीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। समाचार एजेंसी एनआईए ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि मुंबई एटीएस ने गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ फिरौती वसूलने का नया केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने एक कारोबारी की शिकायत पर गैंगस्टर सुरेश पुजारी के खिलाफ फिरौती का केस दर्ज किया है। पुजारी 11 जनवरी 2022 तक पुलिस हिरासत में है और एजेंसी इस बात की जांच कर रही है। जबरन वसूली के पैसे का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आतंकी संगठन को समर्थन देने के लिए तो नहीं किया जा रहा था। फिरौती का मामला हाल ही में दर्ज किया गया था, जब मुंबई के एक कारोबारी ने एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गैंगस्टर ने उसे अक्टूबर 2021 में बुलाया था और कथित तौर पर 10 लाख की मांग की थी। एटीएस अधिकारी ने कहा है कि सुरेश पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एटीएस की विक्रोली इकाई ने उसे अदालत में पेश किया है और आगे की जांच की जा रही है। उसे 11 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईजीआर।